दोस्तों यदि आप मारुति सुजुकी कार को खरीदने का प्लान कर रहे थे तो दोस्तों आपके लिए जल्द से जल्द मौका होगा कि आप जल्दी से कार खरीद लें, क्योंकि दोस्तों अगले महीने से मारुति सुजुकी कंपनी अपनी कारों की कीमत में बढ़ोतरी करने जा रही है। तीसरा मौका होगा साल में जब कंपनी मारुति कारों की कीमत बढ़ाने जा रही है। 3 महीने पहले अलग अलग मॉडल पर कंपनी ने 34,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की थी अपनी गाड़ियों पर। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कई सालों से कंपनी ने कारों की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। इसका कारण कारों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स की कीमतों को बढ़ना बताया जा रहा है। इसकी वजह से कारों की कीमत बढ़ जाती है, जिसका दोस्तों दारोमदार कस्टमर की जेब पर पड़ता है। और दोस्तों कंपनी जो है कस्टमर से वसूल करती है जो भी बढ़ोतरी होती है रॉ मटेरियल वगैरह की। दोस्तों मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का कहना है कि कार में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले कई साल से कार की कीमतों में बढ़ोतरी करना कंपनी की मजबूरी हो गई है। दोस्तों अगर आप तैयारी में थे मारुति सुजुकी कार को खरीदने तो जल्दी से जल्दी खरीद लें, क्योंकि अगले महीने से प्राइस बढ़ सकती है। और दोस्तों आपको मैं मुख्य बात बता दूं कि कारों की कीमत में कितनी बढ़ोतरी होगी ये अभी तक कंपनी ने इसका खुलासा नहीं किया है। तो दोस्तों हमारी एडवाइस यही होगी कि इस महीने ही यानी कि जून के महीने में ही आप कार वगैरह बुक कर लें अगर आप खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अगले महीने से जो है प्राइस बढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, कितने प्राइस बढ़ेंगे अगर बढ़ते हैं तो दोस्तों मैं आपको सूचित कर दूंगा एक वीडियो बनाकर। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।